हेलो पेरेंट्स, सो जैसा कि आज एग्ज़ाम देते समय बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाया, तो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बताऊँगा जिनको आपको फॉलो करना है और अपने फ़ोन को अपडेट कर लेना है, उसी उन सारे स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपने फ़ोन को अपडेट कर लेना है। उसके बाद शाम को आने वाला मॉक टेस्ट जो कि 5 बजे आएगा, उसको अटेम्प्ट करना है। फिर आप देखेंगे कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है या प्रॉब्लम नहीं आ रही है। होप सो कि आपकी सारी प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाएंगी। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको अपने फ़ोन को अपडेट करना है। कई बार ऐसा क्या होता है कि हमारा फ़ोन बहुत दिनों से अपडेट नहीं हुआ होता है, हमारा वर्ज़न अपडेट नहीं हुआ होता है, तो वो क्या करता है कि बहुत सारी ऐप्स को वो स्टार्ट नहीं करता है, स्टार्ट करता है तो बीच बीच में उसको क्लोज़ कर देता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपना मोबाइल अपडेट करना है। अब मोबाइल अपडेट कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है। आप जब सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ से, तो सेटिंग्स में आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट फ़ोन, अबाउट फ़ोन पे जाना है आपको। और कुछ मोबाइल्स में ऊपर सिस्टम अपडेटर दिया होता है, जैसे मेरे में मिस मोबाइल में ये वर्ज़न दिया हुआ, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दिखा देगा कि आपका मोबाइल अपडेट है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये बोलता है नो अपडेट्स अवेलेबल, दैट मीन्स हमारा मोबाइल अपडेट है, कोई अपडेशन अवेलेबल नहीं है, ये अप टू डेट है। ठीक है, अनदर मोबाइल में क्या होगा, यहाँ पर सिस्टम अपडेटर या मोबाइल अपडेट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं। अगर आपका मोबाइल अपडेट मांग रहा है तो प्लीज़ आप अपडेट कर दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो मोबाइल है जिसमें आप NLP ऐप चलाते हो, वो मोबाइल आपका उसमें कम से कम उसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो कम से कम 25% फ्री होनी चाहिए। क्यों 25% फ्री होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि इस ऐप में बहुत सारा डेटा अपलोड होता है। डेटा जैसे क्या अपलोड होता है, जैसे आप होमवर्क सबमिट करते हो, टीचर रिसोर्स सबमिट करता है, टीचर का क्लास का वीडियो जाता है, ठीक है, टेस्ट लेते समय हमको चीज़ें अपलोड करनी पड़ती हैं, तो ये डेटा बहुत एक्सेस करता है ऐप, ये डेटा बहुत एक्सेस करता है, जिसलिए क्या होता है कि हमको अपने मोबाइल में मोबाइल की मेमोरी कम से कम 25% फ्री करनी है, रखना है। कैसे देखेंगे ये, हम इसको देखने के लिए फाइल मैनेजर में जाएंगे, जैसे कि ये फाइल मैनेजर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये बॉक्स बना हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा कि मेरे मोबाइल में कितनी मेमोरी फ्री है। देखिए 73% फिल है और 27% फ्री है, तो एक चीज़ ये इंश्योर करनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या इंश्योर करनी है कि आपका मोबाइल का एंड्रॉयड वर्ज़न अपडेट होना चाहिए या न्यू एंड्रॉयड वर्ज़न का होना चाहिए, कि पुराना मोबाइल ना हो, उसका कैमरा बिल्कुल सही हो। अगर कैमरा थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो आपका टेस्ट भी नहीं होगा, आपकी क्लास भी नहीं हो पाएगी। माइक्रोफोन माइक उसका गड़बड़ है, आपकी क्लास भी नहीं हो पाएगी, आपका टेस्ट भी नहीं हो पाएगा। ये दो चीज़ें ज़रूर आपको मोबाइल में चेक करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी मोबाइल की जो रैम होती है वो मोर देन 2GB की होनी चाहिए, मोर देन 2GB। हालांकि इस समय जो भी मोबाइल्स आ रहे हैं एंड्रॉयड, उसमें समय उसकी रैम जो है वो 2GB के ऊपर ही होती है, लेकिन अगर आपका मोबाइल पुराना है और उसका एंड्रॉयड वर्जन पुराना है और उसकी रैम 2GB या उससे कम है, तो आपका मोबाइल का NLP ऐप किसी भी टाइम स्टॉप हो सकता है, किसी भी टाइम बंद हो सकता है, आपको क्लास देने में प्रॉब्लम होगी, आपको टेस्ट देने में डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इस मोबाइल को काफ़ी डेटा एक्सेस करता है, तो अच्छा नेटवर्क चाहिए, अच्छी रैम चाहिए, ज़्यादा मेमोरी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप उस मोबाइल का यूज़ करें एग्ज़ाम के लिए, NLP पे एग्ज़ाम देने के लिए, NLP पे क्लास लेने के लिए, जिसकी रैम 2GB से ज़्यादा हो। ठीक है, यो नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स होती हैं। इवन जैसे अब मैं क्लास ले रहा हूँ NLP ऐप से, तो वो NLP ऐप माइक्रोफोन भी एक्सेस करता है, कैमरा भी एक्सेस करता है, आपका गूगल भी एक्सेस करता है, बहुत सारी ऐप्स को वो एक्सेस करता है जो हमारे मोबाइल्स में होती हैं। तो क्या वो हमारी ऐप्स जो हैं वो अपडेटेड हैं कि नहीं है? अगर वो अपडेटेड नहीं होती हैं तब भी NLP क्या होता है, वो स्टॉप हो सकता है, बंद हो सकता है, वो आगे नहीं बढ़ा सकता है, चाहे वो क्लास हो चाहे वो एग्ज़ाम हो।
तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए हमको जाना है प्ले स्टोर पे। सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाएंगे और जहाँ पर हमारा ईमेल आईडी का आइकन ऊपर दिखता है, ये जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर ये माइक बना हुआ है इसके राइट साइड में, इस पर हम क्लिक करेंगे और मैनेज ऐप्स एंड डिवाइसेस ये दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा और उसमें अपडेट्स अवेलेबल लिख के आएगा। अब हम इस अपडेट्स अवेलेबल में देखते हैं कि इतनी सारी ऐप्स हैं जो अपडेट्स मांग रही हैं। इसमें कुछ ऐप्स ऐसी हो सकती हैं जो एनएलपी जिनको एक्सेस करता है, तो अगर वो अपडेट नहीं होगी तो हो सकता है उसकी वजह से भी एनएलपी हैंग कर रहा हो, एनएलपी पे एग्ज़ाम नहीं हो रहा हो, तो इसको भी मुझे अपडेट कर लेना है। इसमें जो ऐप्स दी हुई हैं उनको सबको अपडेट कर लेना है, ठीक है, ये हुई बात। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद हम आ जाते हैं अपने एनएलपी ऐप पे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अपना एनएलपी ऐप जो हमारे मोबाइल में है उसको सबसे पहले तो हम अनइंस्टॉल कर दें, उसके बाद रीइंस्टॉल करें, ठीक है। रीइंस्टॉल करने के बाद हम उसको क्या करें, हम उसको लॉन्ग प्रेस करें उसके ऊपर और दो ऑप्शन आएंगे, ऐप इन्फो और ऑप्शन आएगा शेयर का, ठीक है। तो हम ऐप इन्फो पे जाके सबसे पहले नीचे दो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, फोर्स स्टॉप, अनइंस्टॉल एंड क्लियर डेटा। जब हम क्लियर डेटा पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, क्लियर ऑल डेटा, क्लियर कैशे। तो हम क्लियर कैशे यहाँ से कर दें सारी चीज़, इसमें क्या होगा जितनी, और उसके बाद फिर हम क्लियर डेटा कर दें, जिससे इसमें जितनी भी जंक फाइल्स होंगी वो सारी की सारी हट जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं किस पे, उस आते हैं ऐप परमिशन पे। ये देखिए ये ऐप परमिशन लिखा हुआ, इस पे आते हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे और हमारा मोबाइल जिन जिन ऐप्स को एक्सेस करता है उसको अलाउ कर देंगे। देखो यहाँ डोंट अलाउ लिखा है, हम इसको अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग दिस ऐप ये कर देंगे, सारी चीज़ सारे। उसके बाद फाइल्स एंड मीडिया, ये स्टोरेज, इसको भी अलाउ एक्सेस कर देंगे, मतलब सारी परमिशन हम इसको, माइक्रोफोन ये भी अलाउ कर देंगे, फ़ोन इसको भी अलाउ कर देंगे, सारी परमिशन मुझे देनी है इसको, ये चेक कर लेना है। ये कॉन्टैक्ट अलाउ कर देंगे, जब अगर एक भी इसमें अलाउ नहीं करेंगे तो हमारा मोबाइल कहीं पर भी एग्ज़ाम देते समय या क्लास देते समय ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है, क्लियर। तो ये करने के बाद फिर हम बैक जाएंगे, उसके बाद आता है अदर परमिशन का ऑप्शन। अदर परमिशन पे ये चीज़ें देख लीजिए बहुत ध्यान से, चेंज ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑन होनी चाहिए, होम स्क्रीन सेम, बिल्कुल सेम जैसे सेटिंग होनी चाहिए आपकी, सेम सेटिंग होनी चाहिए जो मेरे मोबाइल में शो हो रही है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल सेम सेटिंग आपको रखनी है, क्लियर। ये कर लिया, अब इसको करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, अपना मोबाइल एनएलपी ऐप खोलेंगे और अपनी आईडी डालेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है तो आप, बेहतर है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें। पासवर्ड चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, स्कूल UDCA कोड डालना पड़ेगा, एडमिशन नंबर डालना पड़ेगा जो भी आपका है, उसके बाद ट्राई OTP, ठीक है, पासवर्ड जनरेट करना है आपको, तो आप यहाँ से पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट करेंगे, देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है, आपके पास OTP आएगा, आप OTP डाल के फिर अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको इसका अलग से एक वीडियो बना के दिखा दूंगा कि कैसे पासवर्ड जनरेट होता है। चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। वेट फॉर अ व्हाइल, आई गॉट वाइट स्टिकिंग टाइम, नाउ ट्राई OTP, ओके, क्लिक, नाउ आई विल गॉट OTP, ओके, OTP विल कम, अभी OTP नहीं, शायद कुछ नेटवर्क इश्यू हो तो OTP नहीं आया, OTP यहाँ पे आप डालेंगे, जैसे ही आप OTP डालेंगे आपको ये न्यू पासवर्ड जनरेट के लिए बोल देगा। कि एक दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपको क्या करना है देख लीजिए, करना है ऊपर 3 लाइंस बनी हुई है, इस पर क्लिक करके चेंज पासवर्ड पे जाके यहाँ न्यू पासवर्ड डाल देना है, यहाँ पुराना पासवर्ड डाल देना है, ठीक है, पुराना पासवर्ड डाल के उसको चेंज कर देना है। इन दिस वे आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो।
और एक OTP के माध्यम से, वैसे भी आप दोनों तरीके से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, जो प्रॉब्लम सुबह आ रही थी उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे हम लोग, तो लॉगिन कर लेते हैं। मैंने लॉगिन कर लिया सपोज, ठीक। लॉगिन करने के बाद फिर मुझे वही काम करना है जो मैंने आपको कल आज सुबह बताया था कि हमको मल्टीपल लॉगिन देखना है, मल्टीपल लॉगिन तो नहीं है, वो भी हटाना है मुझे, ठीक। यहाँ से चेक कर लेना है मैनेज डिवाइसेस पे जाके, इतनी सारी डिवाइसेस लॉगिन है, वन वन करके क्या करना है, लॉग आउट कर देना है इस तरीके से, वन वन करके इसको लॉग आउट कर देना है। ठीक है, सही लॉग आउट कर देना है और वही उसी में लॉगिन रहने देना है जिस डिवाइस का हम यूज़ कर रहे हैं, या चाहना आप इसको भी लॉग आउट कर सकते हो, लॉग आउट करने के बाद दोबारा इसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, और इसको करने के बाद, ये सारे स्टेप को फॉलो करने के बाद, आपका होप्स हो कि आपका मोबाइल सही से चलने लगेगा, NLP के प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, आप प्रॉपरली एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्लासेस ले पाएंगे। फिर भी मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे शाम को मॉक टेस्ट आएगा 5 बजे और प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम जिसमें रिमूव नहीं हो रही है, तो मैं आपसे को रिक्वेस्ट करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए कल 12 बजे से पहले स्कूल में आकर कंसेंट लेटर पर साइन कर दीजिए, अपनी फीस जमा कर दीजिए, आपका एग्ज़ाम, बच्चे का एग्ज़ाम स्कूल में प्रॉपरली हो जाएगा, ठीक है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ अपने बच्चों को कि जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के बाद सपोज़ आपको 3 घंटे का टाइम दिया गया है, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम उससे पहले फिनिश हो जाता है, आप सारे क्वेश्चन कर लेते हो, सारे आंसर लिख देते हो, तो आप एग्ज़ाम फिनिश का टाइम का वेट मत करें, आप विद इन द टाइम जैसे ही आपके सारे क्वेश्चन होते हैं, आप तुरंत अपनी फाइल्स को अपलोड कर दें, अपलोड करने के बाद उसको सबमिट करें, सबमिट करने के बाद फिर एंड टेस्ट कर दें, ठीक है। आप 12:30 बजे का वेट मत करें, आपका एग्ज़ाम पहले हो जाता है, पहले सबमिट कर दें, ठीक है। तो होप सो पेरेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या क्या करना है, और आई विश कि आपका एग्ज़ाम सही से हो, अच्छे से हो। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।